हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, वो भी विद डेकोरेशन। यस गाइस, मैं आपको ये दो तरीके में बनाना सिखाऊंगी, एक ओवन के साथ और एक ओवन के बगैर। और ये केक मैंने इसलिए आपके लिए बनाया क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बाहर से केक लाना बहुत डिफिकल्ट है। ताकि आपकी बर्थडे खराब ना हो जाए, इसलिए मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन लाई हूँ विद दिस लवली एंड ब्यूटीफुल केक। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, पास का बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। केक बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, एक स्ट्रेनर में हम डालेंगे, नीचे हमने बोल डाला है। और अब हम लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो भी आप लेते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, उसे इस तरीके से लेवल करके मैंने लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कोको पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर फिर छान लेंगे। दूसरे बोल में मैंने 1 कप + 1/4 कप पाउडर शुगर ले लिया। अब मैं इसमें 4 अंडे फोड़ के डालूंगी। अब 4 अंडे डाल के मैं इसे अच्छे से विस्क कर लूंगी। मैंने इसे अच्छे से विस्क कर लिया है, इसका कलर आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसे भी विस्क कर लूंगी। अब हम इसमें धीरे धीरे ऑयल डालते हुए विस्क करेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसे ऑयल डालते हुए विस्क करेगा। ऑयल डालने के बाद इसे ज़्यादा ना विस्क करें। मैंने इसमें 3/4 कप ऑयल डाला है। अब अभी इस ड्राई इन्ग्रीडियंट को इस वेट इन्ग्रीडियंट में थोड़ा थोड़ा डाल के हम डालेंगे। और फिर इसे कट एंड फोल्ड मेथड, जो कि कुछ यूँ है जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर कट करेंगे। अब हम थोड़ा और डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट में और फिर से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे। इसे फोल्ड करेंगे और फिर कट करेंगे, फोल्ड करेंगे और कट करेंगे। इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से मैंने सारा ड्राई इंग्रेडिएंट वेट में डाल दिया है और इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना होता है। इसे ओवर मिक्स हमें नहीं करना है, जैसे ये हो जाता है ये रेडी। हमने एक केक टिन ले लिया है, उसे हम ऑयल से पहले अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने साइड्स को भी अच्छे से डस्ट कर लिया है, सब तरीके जगह अच्छे से ऑयल लगाने के बाद मैदा लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा मैदा यहाँ बाकी रहता है उसे आप रिमूव कर दीजिएगा। और फिर मैं केक टिन में हमारा पूरा केक का बैटर इस तरीके से पोर कर दूंगी। केक टिन में पूरा बैटर डालने के बाद इसे हम टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए। मेरा ये केक टिन 7 इंच का है, मैंने एक एल्यूमिनियम फॉइल से ऐसी पट्टी बनाई है ताकि मैं इसे ऐसे उठा सकूं। मैंने एक इडली कुकर में नीचे के पार्ट में पानी भरा है और इसे मैंने 10 मिनट तक लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रखा है। आपके पास इडली कुकर ना हो तो आप पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इडली कुकर ना हो तो इस तरीके के एक पतीले में इस तरीका का एक स्टैंड रख दे और इसके ऊपर अपना केक टिन रख दे। इस पतीले में को 10 मिनट तक गैस पे लो फ्लेम पर प्रीहीट कर दे बिना पानी या कुछ के, इसी तरीके से। और इस पर केक टिन रख कर आप फिर इसे बेक कर सकते हैं। हमने इडली कुकर में पानी अच्छे से गर्म कर दिया है। अब मैं इसमें ये हमारा केक टिन इस तरीके से उठा के डाल दूंगी, ये देखिए कुछ इस तरह। और फिर इस तरीके से इसका ढक्कन लगा देंगे और फिर इसे इसका इडली कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इडली कुकर के होल्स मैंने बंद कर दिए हैं और इसे मैं हाई टू मीडियम फ्लेम पर बेक करने के लिए रख दूंगी। दोस्तों, केक डेकोरेशन के लिए हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप पाउडर शुगर लिया है, 4 टेबलस्पून दूध लिया है, 25 ग्राम बटर लिया है और 25 ग्राम कोको पाउडर लिया है। इसे हम गैस पे पिघलाने के लिए रख देंगे। इसको हम थोड़ा इस तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर लो फ्लेम पे गैस पे रख देंगे। मैंने गैस लो फ्लेम पे रखा है और इसे अब हम चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। हमारा बटर पिघल चुका है, अब हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे और तब तक इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। अब इसमें अच्छा उबाल आ गया है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ठंडा होने पे और थिक हो जाएगा और इसे ठंडा कर ही हमें केक पे लगाना है।
दोस्तों हमारा केक ठंडा हो चुका है और साइड से भी अच्छे से निकलने लगा है। अब हम चाकू की मदद से इसके साइड्स को निकालेंगे। अब मैं केक को डीमोल्ड करूंगी, इस तरीके से पेट रख के इसे टैप करेंगे और फिर इसे जेंटली उठाएंगे। वाह, हमारा केक इतने अच्छे से निकल गया है। इसलिए इतने अच्छे से निकला क्योंकि हमने इसे अच्छे से ग्रीस किया था। अब हम इस पर चॉकलेट गनाश डालेंगे। चॉकलेट गनाश डालने से पहले हम इस पर डालेंगे शुगर सिरप। ये मैंने 1/4 कप शुगर पे मैंने पानी डाला था, 1/2 कप, और फिर मैंने इसे गर्म करके इसका सिरप बना लिया था, वो हम केक पे डालेंगे। आप देख सकते हैं केक कितनी जल्दी शुगर सिरप पी रहा है, इसका मतलब आपका केक बहुत सॉफ्ट और अच्छे से बना, बेक हुआ। हमें साइज में भी शुगर सिरप इसे पिला देना है इसे। अब हम इस पर ऐसे प्लेट रखकर इसे उलट लेंगे। पलट देने के बाद इसके इस साइड पे भी हम शुगर सिरप पिला देंगे। हमारा चॉकलेट गनाश ठंडा हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसे केक पे पोर कर देंगे। पूरे केक को हम इस गनाश से कवर कर देंगे, ये बहुत अच्छी शाइन देगा हमारी केक को। हमने साइड्स को भी चॉकलेट गनाश से कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं चॉकलेट गनाश डालने के बाद केक पे क्या शानदार। ये जो फ्लावर्स मैंने फॉन्डेंट से बनाया है उसकी रेसिपी मैं आपको आई लिंक में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी। दोस्तों ये मेरा शानदार और ब्यूटीफुल सा केक विद फॉन्डेंट डेकोरेशन, जिसे मैंने जेम्स और फॉन्डेंट से डेकोरेट किया है, वो तैयार है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, देख सकते हैं चाकू इतनी अच्छे से अंदर गया है, मतलब ये कितना सॉफ्ट बना होगा। वाओ, ये मैंने कट कर दिया है और ये देखिए इसको मैंने यहाँ से, ये देखिए अंदर से भी एकदम से अगर आप दबाओगे तो कितना सॉफ्ट है। ये देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट है। मैं ये खा के दिखाती हूँ। लाजवाब सॉफ्ट, एकदम अंदर से मॉइस्ट है। जो चॉकलेट गनाश डाला था हमने उसका फ्लेवर अंदर तक, गनाश अंदर उतरा है सिरप के वजह से, केक इतना सॉफ्ट हो गया है। आई लव दिस। ये केक आप अपने बर्थडे पे बनाए, एनिवर्सरी पार्टी पे बनाए, किसी पे भी बनाए, एकदम बाहर सजाए हुए अच्छे से डेकोरेशन किया, बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिले। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।